आज बात कवाया हम और कवाए तुमसे, हमारे साथ जो किया हमें मंजूर है, लेकिन लेकिन जूसा बेगम को इस तकलीफ में क्यों डाला? क्यों उन्हें उस दोहरा पे लाकर खड़ा कर दिया जाए? एक तरफ उनका शौहर उनके सामने है जिसे सलाह देने से पहले वो मर जाना पसंद करेंगी, और दूसरी तरफ उन गांव वालों का यकीन जिसे तोड़ना उन्हें गवारा नहीं होगा। तो फिर क्यों किया उनके साथ ऐसा? जवाब चाहिए हमें। और बाकी 6 पत्थर पर उसका असर होता है। उसी तरह एक इंसान को चोट पहुंचाओगे, एक का दिल तोड़ोगे तो बहुतों को तकलीफ पहुंचेगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। से कुछ चाहते हैं जो था बेगम, आपको हमें सजा देनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है जोधा बेगम, अगर आप हमें सजा नहीं देंगी तो ये सजा आपको भगत नहीं होगी, इसलिए आपको हमें सजा देनी होगी। नहीं शहंशाह, हम भले सबके सामने स्वीकार कर लेंगे कि हमारा आपसे क्या संबंध है, हम विष खा लेंगे, परंतु हम सब अपने हाथों से आपको दंड नहीं दे सकते। ये दंड नहीं, ये हमारा प्रायश्चित है जोधा बेगम। आपको आपको किसी ने चुना है हमें सजा देने के लिए, इसलिए आपको हमें सजा देनी होगी। कल भरी पंचायत के सामने आप हमें सजा सुनाएंगी। परंतु हमारी बात को समझने की कोशिश करें आप जोधा बेगम। अनजाने में हमने बहुत लोगों को तकलीफ पहुँचाई, अब शायद हमें तकलीफ सहनी होगी। ये हमारे उन गुनाहों की कीमत है जो हमसे अनजाने में हुआ, हमें ये कीमत चुकानी होगी जोधा बेगम। ये सब आपको किसने कहा है? उसी बच्चे ने। कौन? हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन वो हमारे पास आता है, हमसे बात करता है, न जाने वो किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता सिवाय हमारे। खैर, आपको हमारी कसम जोधा बेगम कि कल आप हमें सजा देंगी। जोधा बेगम, आप इस गांव की सरपंच हैं, लोगों ने आपको चुना है इंसाफ के लिए, इसलिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा। परंतु एक पत्नी होने के नाते भी हमारा धर्म है शहंशाह, और हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। हाँ, हमसे ये गुनाह नहीं हुआ है जोधा बेगम, लेकिन अनजाने में हमसे बहुत बड़े गुनाह हुए हैं जिनकी सजा अब हमें भुगतनी होगी। भूल जाइए कि हम आपके शौहर हैं, बस इतना याद रखिए कि आप इस गांव की सरपंच और सबके सामने क्या साबित हुआ है। जोधा बेगम, आपको अपना फर्ज निभाने के लिए चुना गया है, इसलिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा। अभी आप यहाँ से जाइए, कोई हमें आपके साथ देख न ले। हम चले जाएंगे, लेकिन जो हमने आपसे कहा आपको याद रखना होगा। तो है राधा का, कौन था ये आदमी जो राधा से मिलने आया, वो भी आधी रात को? हो सकता है कोई दवाई देने आया हो या कोई सूचना देने आया हो। कुछ भी हो, कोई इनके पास क्यों नहीं आना चाहेगा, ये है ही ऐसी, किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। जी, इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैं इन्हें यहां से लेकर जाती हूं। नहीं मथुरा, अगर ये इंसाफ है तो होने दो, मैं खाऊंगा तो छोड़े।
समझते क्यों नहीं? अब भी वापस आपको बता दीजिए कि आप कौन है। अरे दरबार में किसी को हक नहीं है कि शहंशाह को कोड़े मारे। चल रहे समझ लीजिए। मेरे बेगम, अभी अब हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है और खुदा के लिए अब जोधा बेगम की मुश्किल आत्मा बड़ा है। अगर आपसे दर्द नहीं सहा जाता है तो दूर हो जाओ उनसे और अपनी आंखें बंद कर लो। जाओ। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। अब वो दर्द तुम्हें महसूस करने की बारी है जो तुम्हारी वजह से औरों ने सहा है। मैं वो दर्द हूँ जो तुमने किसी और को दिया है, जो तुम्हें भुगतना होगा। ये देखो आ गए हमारे शहंशाह। अरे ये तो महलों के शहंशाह है, इन्हें हम गरीब लोगों से क्या। यहाँ आवाम तड़प रही है, ये लोग महलों में ऐश कर रहे हैं, थू है इन पर। सरपंच जी, 10 कोड़े पूरे हो। खोल दो इसे। चलिए उठिए यहां से। जड़ी बूटी अपने घाव पर लगाते रहना, आप लोगों के घाव शीघ्र ठीक हो जाएंगे। ये लो दवाई। दूर हटो, तुम जैसे चोर डाकुओं के हाथ से दवा तो क्या जहर भी ना ले हम। हाँ हाँ भैया, क्या पता दवा के बदले जहर ही दे दे। हाँ हाँ। क्या भरोसा इस चोर का। कोई भरोसा नहीं है। ए, कहां जा रहा है? अब तुझसे यहां कोई सेवा नहीं करवाएगा। चल अब मजदूरी कर। सब्जियों की ये बोरियां उठाकर रसोई घर में रख कर आ। आपने हमारे प्राण क्यों नहीं ले लिए?
खुद को गुनहगार क्यों समझ रही हैं? आपने वही किया जो आपका फर्ज था। इस गांव के सरपंच होने के नाते सबूतों और गवाहों को मद्देनजर आपने गुनहगार साबित हुए मुजरम को सजा दी। बस ये तो हम ही जानते हैं शहंशाह, कितना दंड हमने आपको दिया है कि हमने स्वयं भोगा। जानते हैं कि मैं लगी चोट का दर्द सबसे पहले आप महसूस करती हैं, यही तो हमारा रिश्ता है। दो आंखों की तरह है, अगर एक से आंसू बहेगा तो दूसरी को नींद कैसे आएगी? लेकिन आप इस तरह रोएंगी तो अपना दर्द कैसे सहन कर पाएंगी? इस तरह रोकर आप हमें और बड़ी सजा दे रही हैं। हम चाहते हैं ना रोए आप। जानता है, मैंने तुझे जानबूझकर इस गांव से जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था तू देखे कि मैं कौन हूं और तेरे जैसे लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा महत्व नहीं रखते। अब राधा जी, होली का दहन आपके शुभ हाथों से होना चाहिए। हाँ राधा जी, जगदेव सेठ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जिस तरह रोग का नाश किया, उसी तरह पाप रूपिणी इस होलिका का दहन भी आप ही कीजिए। लीजिए राधा जी। होली एक ऐसा त्योहार होता है जहाँ पर सभी लोग अपने आपसी झगड़े, मन मुटाव सभी को भूलकर एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। आशा तो यही की जाती है कि सभी लोग अपने मन का मैल और पापों को इस पवित्र अग्नि में डालकर भस्म कर दें, पाप का नाश हो। बहुत महान विचार है राधा जी आपके, और आपके इसी विचारों से प्रेरित होकर मैं आज सुरजन को क्षमा करता हूँ। घृणा पापी से नहीं, पाप से होनी चाहिए। अग्नि दीजिए। नहीं जगदेव जी, हम चाहते हैं कि होली का दहन चोरी की सजा पा चुके सुरजन के हाथों से हो। सुरजन अपराधी था, परंतु अपने अपराध का दंड भुगतने के बाद उसे अपराधी कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही तो हमारे समाज का बहुत बुरा नियम है कि अपराधी को उसके अपराध का दंड एक बार नहीं बल्कि बार बार और लगातार मिलता है। ये न्याय की कौन सी परंपरा है कि किसी भी अपराधी को उसके अपराध से मुक्ति ही नहीं मिलती है? बल्कि होना तो ये चाहिए कि एक बार किसी भी अपराधी को उसका दंड मिलने के पश्चात उसे समाज में फिर से सम्मिलित कर लेना चाहिए, उसे फिर से वही मान सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए होलिका को अग्नि सुरजन ही देंगे। जैसी आपकी आज्ञा राधा जी, आपकी आज्ञा को कौन टाल सकता है? लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौशल्या जी, आप आ गई इसीलिए मैं बच गई, वरना ये लोग तो मानते ही नहीं। कैसे नहीं मानते, होली खुशी का त्योहार है, जबरदस्ती का नहीं। जिसका मन नहीं है वो ना खेले। जबरदस्ती करने से अच्छा है कि दिमाग लगाया जाए। होली जो प्रेम से नहीं मानता उसे ऐसे ही रंगते हैं। होली है,
और हमें महल पहुंचने दो कौशल्या, तुम्हें काल कोठरी में सड़ा कर छोड़ा नहीं हमने तो हमारा नाम भी रुकैया बेगम नहीं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे अगले वर्ष आप सभी स्वस्थ होकर होली खेलें। राधा जी आप देख रही हैं, सब कितने प्रसन्न हैं, यहाँ तक कि बीमारी और अकाल को भी भूल गए। ये सब आपके ही कारण हुआ है, नहीं तो इस बार होली के रंग फीके ही पड़ जाते। हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब तो ईश्वर की कृपा है, वही सबके चेहरे पर मुस्कान लाता है। क्या हुआ राधा जी? वो कुछ नहीं, थोड़ी गर्दन में खिंचाव आ गया था। राधा जी मैं अभी आती हूँ। होली है भाइयों, जगदीप सेठ को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। अब राधा जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, वो रंग तो मैं गांव वालों के ऊपर फेंक रहा था, परंतु सोचा नहीं कि हवा से आपके ऊपर आ जाएगा। कोई बात नहीं जगदेव जी, अनजाने में जो हो जाए वो भूल होती है, अपराध नहीं। और आपने गांव वालों के लिए इतना अच्छा प्रबंध किया है तो आपके मन में मैल कैसे हो सकता है? हमने आपको क्षमा किया। होली मुबारक शहंशाह। जावेद पता चला कि अनाज कहां छुपा हुआ है? नहीं हुजूर, हमने उसके घर और भंडार बाकी सब छान मारे मगर अनाज का कहीं पता नहीं चला। ठीक है जाओ। जी हुजूर। राधा जी आपसे एक विनती है, आज मेरे पुत्र का जन्मोत्सव है और संध्या में एक छोटा सा उत्सव भी है, तो आप पधारिए और उसे आशीर्वाद देने की कृपा करें। संयम रखो जोधा, इस पर अभी अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में रोष है। ठीक है जगदेव जी, आपके पुत्र को आशीर्वाद देने हम अवश्य आएंगे। बस एक बार तुम आ जाओ राधा जी, फिर आज की रात जीवन भर भुलाई नहीं जा सकने वाली रात हो जाएगी। आज की रात जो होगा उसे तो जिंदगी भर याद रखेगा। हमने जोधा बेगम को अपने कब्जे में करने का फैसला किया। एक बार जोधा बेगम हमारे कब्जे में आ गई तो हम उन्हें ठावल बना सकते हैं। जलाल के पास कोई चारा नहीं बचेगा अपने आप को हमारे हवाले करने के अलावा। जोधा बेगम को वापस देने के बहाने उसे निहत्ता बुलाएंगे और बिना फौज के खून बहाए और जलाल को फतेह करेंगे। क्या बात है हुजूर? शरीफुद्दीन पागल हो गया है।
वह जोधा भाभी जॉन को अगवा करने की सोच रहा है और हम यहाँ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अपनी फौज को लेकर हमारी मदद को आएगा, लेकिन वो कमबख्त वहाँ कुछ और ही कर रहा है। इस तरीके में भी कोई बुराई नहीं है हुजूर, जंग में तो सब जायज है। खामोश, अगर दोबारा ऐसी बात की तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। जंग में माँ बहनों को बेआबरू करना जायज नहीं है। हम जलाल भाईजान को शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन चौदह भाभी जान की बेइज्जती हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज भी चौदह भाभी जान की बहुत इज्जत करते हैं। ख्याल रहे काम इस तरह हो किसी को कोई शक ना होने पाए। सब लोग हमारे इशारे का इंतजार करना, यहाँ बहुत लोग हैं। जब तक हम इशारा नहीं करेंगे कोई आगे नहीं बढ़ेगा, समझे? रुकैया यहाँ है, जोधा की बांदियां यहाँ है, फिर हमारे दिल की खुशी जोधा क्यों नहीं दिख रही? लगता है जोधा अपने खेमे में है। राधा जी कहाँ हैं? दवाई चाहिए थी। आज दवा हम देंगे, राधा जी आए हैं नहीं, बैठ जाओ यहाँ। हमारी किस्मत बार बार हमें धोखा क्यों दे जाती है? हम जोधा को लेने आए और वो यहाँ नहीं है, आखिर जोधा कहाँ जा सकती है? हमारा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं जोधा बेगम किस परिस्थिति में होंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, शहंशाह है वहाँ, जोधा बेगम महफूज रहेंगी। यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं, पता लगाना होगा कि जोधा गई कहाँ है। जगदेव जी, जगदेव जी, अरे राधा जी आप आ गई। नमस्कार, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आशा है कि इस गरीब की झोपड़ी में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये तो कह रहा था इसका पुत्र का जन्मदिन है, उत्सव है, परंतु यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। आप यहाँ क्यों खड़ी हो गई, भीतर आइए। यहाँ का माहौल देखकर हमें ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हमने शहंशाह को वचन दिया है कि जगदेव का सच सामने ला कर रहेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते। समझाता हूं तुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा। हिमा, सत्तू, अरे कहां मर गए सब लोग? तेरी आवाज पर कोई नहीं आएगा जगदेव, सेठ सब गहरी नींद में सो रहे हैं। अच्छा, घबरा मत जगदेव सेठ, इतनी जल्दी नहीं मरेगा तू, अभी तक तुझसे बहुत सी बातें करनी है। बता वो अनाज कहां छुपाया है तूने? तुझे क्या लगा कि मुझे दोषी साबित करके तू बच जाएगा? बता शाही मदद से आने वाला अनाज कहाँ छुपाया हुआ है तूने, और शहंशाह का नाम क्यों बदनाम किया तूने, बता। सर्जन तो बच के नहीं जा सकता, तुझे तो सजा दिलवाऊंगा मैं। फिलहाल तो तुझे तेरी फिक्र होनी चाहिए जगदेव सेठ। छोड़ दे, उतार मुझे नीचे, वरना पंचायत के आगे तेरी खाल उधड़वा दूंगा मैं। वो तो मैं भूल ही गया था, जब शरीर से खाल
खींच ली जाती है तो उसका दर्द क्या होता है, ये मैं अब तुझे बताऊंगा। उतार मुझे। सुरजन सुरजन छोड़ मुझे, मार डाला। अभी नहीं मरा है तू सुखदेव, तुझे मरने नहीं दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं कि वो नाश कहां छुपाया है। तुझे मरने नहीं दूंगा मैं, तुझे मरने नहीं दूंगा मैं। बता, बता सच कि वो नाश कहां छुपाया, बता। बताता हूँ सुरजन, बताता हूँ। दरअसल मिर्जा हकीम से मेरा पहले ही सौदा हो चुका था कि सल्तनत से जो भी अनाज आएगा वो उस तक पहुँचाना है। यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल में झाड़ियों के नीचे झुरमुट में एक तहखाना है, सारा अनाज वहीं छुपा कर रखा है। छोड़ दे मुझे। ये सच तू गांव वालों के सामने बताएगा? बता दूंगा, सब बता दूंगा, मुझे उतार तो दे। सच कह रही हूँ, राम राम, घोर कलयुग है। पहले जब केशव और अजहर ने बताया था कि राधा जी और सुरजन के बीच कुछ चल रहा है तो नहीं माना था मैंने, लेकिन आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जा सकती ना। मुझे तो लगता है कि उस रात भी सुरजन राधा जी के पास दवा लेने नहीं, नैन लड़ाने गया था। क्या पता पहले से ही साठ गांठ हो। अब क्या होगा, कहीं जलाल और जोधा बेगम का राज ना खुल जाए। चल सबके सामने चल, सच बता, बता सच। ये सब क्या है सुरजन, जगदेव जी जैसे महान आदमी के साथ ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ हैं, मैं खुद से आप सबके सामने लाना चाहता था। तुम बोलोगे सुरजन, सबसे पहले सेठ जी को खोल दो और ये बताओ ये पुण्य आत्मा के साथ ये क्या अत्याचार किया है तुमने, जवाब दो सुरजन। क्योंकि ये उसी लायक है। ये क्या बताएगा, ये तो जबरदस्ती मेरे घर घुस गया था और मुझसे मारपीट की और मुझे बांध कर यहाँ लेकर आया। बस करो सुरजन, पहले ये बताओ कि तुम राधा जी के साथ क्या कर रहे थे। देखिए ये है आपके देवता जिसकी आप पूजा करते हैं, लेकिन असल में यही गद्दार है जिसने मुगल सल्तनत की तरफ से आ रही इमदाद को बीच में ही रोक दिया और इस इमदाद को हमारे दुश्मनों तक पहुंचाया। शहंशाह, ये रही वो अनाज की बोरियां जो सल्तनत की तरफ से भेजी जाती थीं, मगर इसने सब छुपा रखी हैं। अब बताओ जगदेव, उस दिन हमारे खेमे में वो अनाज कहां से आया? शहंशाह मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। अगर तुमने ये गुनाह हमारे साथ किया होता तो शायद हम तुम्हें माफ ही कर देते, लेकिन तुमने ये गुनाह हमारी आवाम के साथ किया है। तुमने हमारी आवाम को भूखा मारा है, उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरा है। देखा आप सब लोगों ने, अब तो हमारी बात समझने की कोशिश करें आप सब लोग कि आपके शहंशाह ने एक बार भी चैन की सांस नहीं ली, दिन रात कोशिश की आपकी तकलीफों को दूर करने की, यहाँ तक कि जब ये पता लगा कि आप हमसे नफरत करते हैं, खुद मरी मुजमानी ने यह फैसला किया कि वो आप लोगों के बीच में आप लोगों की तरह रहेंगे आप लोगों की मदद करने के लिए, और आप लोगों ने उन्हीं की पाकीज़गी पे उंगली उठा दी। उनके साथ हम भी रुके, बेहम भी आप लोगों के बीच में आए आप लोगों की तरह आप लोगों की मदद करने के लिए, जानने के लिए कि आप लोगों के लिए इमदाद पहुंची या नहीं। आप ये भूल कैसे गए कि आप हमारी आवाम है, आप हमारी औलाद है, तो एक बाप अपनी औलाद की तकलीफों से बेखबर कैसे होगा? अगर ऐसा है तो क्यों लिया गलत फैसला, क्यों जलाई हमारी फसलें, क्यों किया हमें बेघर? हाँ, हमने फसलों को जलाने का फैसला लिया क्योंकि उन फसलों में वो जानलेवा कीड़े पनप रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।